कक्षा 12वीं विषय हिंदी के अंतर्गत आरओ भाग 2 जो पदखंड है उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए आइए, जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पर कवितावली उत्तरकांड से लक्ष्मण मूर्छा और राम बिलाप गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित। इसके पहले के जो पद्यांश हैं वो मैं आपको पढ़ा चुकी हूं, उसके आगे और भी जो हैं उनको मैं आज पढ़ा रही हूं, समझा रही हूं। आप बहुत ध्यान से समझेंगे और उसको साथ में पढ़ेंगे भी, पढ़ेंगे समझेंगे दोनों। सो अनुराग कहां अब भाई, उठहू ना सुनी मम बच बिकलाई। सो अनुराग कहां अब भाई, उठहू ना सुनी मम बच बिकलाई। जो जन तेउ बन बंधु बिछोउ, पितु बचन मनतउ नहीं होउ। सुत बित नारी भवन परिवारा, होई जाहि जग बारहि बारा। अस विचार जिय जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। चलिए अब को थोड़ा समझते हैं और पढ़ते हैं आगे। शब्दार्थ सो वह, अनुराग प्रेम, उठाउ उठो, मम मेरे, बच बचन, विकलाई व्याकुल, जौ यदि, जनतेउ जानता, विदित होता, बिछोउ बिछड़ना, विरह, मनतेउ मानता, ओहु उस, सुत बेटा पुत्र, बित धन संपत्ति, हो ही आते हैं, जा ही जाते हैं जग संसार, बार ही बारा यानी बार बार, अस इस प्रकार, ऐसा जिया मन में हृदय में, ताता भाई सहोदर एक ही माँ के कोख से जन्मे, भ्राता भाई। संदर्भ समझिए, प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ पुस्तक आरओ में संकलित लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप प्रसंग से अवतरित हैं। इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। प्रसंग, प्रस्तुत चौपाई छंद में कवि तुलसीदास जी ने प्रभु राम के हृदय की व्याकुल अवस्था का मार्मिक वर्णन किया है। किससे है ये? लक्ष्मण मूर्छा से। और जो प्रभु राम है तो प्रस्तुत उसमें क्या किया है कि लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप, जब लक्ष्मण उनको मूर्छा आती है तो राम का विलाप प्रसंग से अवतरित है। प्रस्तुत चौपाई छंद में कवि तुलसीदास जी ने जब प्रभु राम के हृदय की जो व्याकुलता है उसका बड़ा ही मार्मिक क्या किया है, वर्णन किया है। चलिए व्याख्या समझिए। भगवान श्री राम अत्यंत दुखी होकर व्यथित हृदय से मूर्छित पड़े अपने अनुज भ्राता लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कहते हैं। लक्ष्मण जी को क्या है, लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हैं और भगवान राम अत्यंत क्या है, दुखी हैं, और उनको संबोधित करते हुए वो क्या कहते हैं कि हे प्रिय भाई लक्ष्मण, मेरे प्रति तुम्हारा वह पहले जैसा प्यार अब कहाँ है, प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ है, यहां वो पूछ रहे हैं कहाँ हो तुम, मुझे कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे, मेरे कारण तुम अपने माताजी पिताजी को छोड़कर मेरे साथ यहाँ जंगल में चले आए, और मेरी ही वजह से अनेक क्या हो रहे हैं आपको, कष्ट आप सह रहे हैं, सहन कर रहे हैं। तुम तो मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ते थे, अब तुम्हें क्या हो गया, अब तुमको क्या हो गया है, तुम मेरे इन व्याकुल वचनों को सुनकर उठ जाओ। मेरे मतलब वो व्याकुल हो रहे हैं बहुत, मतलब बहुत ज्यादा
तो मेरे इन व्याकुल वचनों को सुनकर क्या हो जाओ, उठ जाओ। राम अत्यंत दुखी मन से पश्चाताप के भाव से कहते हैं कि यदि मुझे यह ज्ञात होता कि वन में मेरे भाई से मेरा बिछो होगा तो मैं पिताजी के वचनों को ही नहीं मानता और कभी भी इन जंगलों में नहीं आता। प्रभु राम भाई की दशा देखकर अत्यंत व्याकुल भाव से लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे लक्ष्मण, इस नश्वर जगत में पुत्र, धन संपदा, पत्नी, घर और परिवार बार बार आते जाते रहते हैं, परंतु कितना भी भरसक प्रयास करने पर भी जगत में एक ही माँ के कोख से जन्मा सगा भाई दोबारा नहीं मिलता, दोबारा नहीं मिलता। इसलिए हे तात, हे मेरे भाई, तुम हृदय में ऐसे विचार धारण करके इस मूर्छा से बाहर आ जाओ, अर्थात उठकर बैठ जाओ। ठीक है, इस प्रकार इसकी ये व्याख्या है। आप काव्य सौंदर्य देख लीजिए, क्या इसमें दिया गया है विशेष जो आप लिखते हैं। राम का मानवीय रूप एवं भ्रात बिछोए के कारण विलाप का यहां पर कैसा वर्णन है, मार्मिक वर्णन। फिर सगे भाई को संसार के अन्य किसी भी रिश्ते अथवा भौतिक वस्तु से बड़ा बताया गया है। सगे भाई को संसार के अन्य किसी भी रिश्ते अथवा भौतिक वस्तु से क्या बताया गया है, बड़ा बताया गया है। फिर है राम का भ्रात प्रेम सराहनीय है, चौपाई छंद है, अनुप्रास अलंकार की छटा है, करुण रस विद्यमान है, तत्सम शब्दावली युक्त अवधि भाषा है, बिंब योजना अत्यंत सटीक, सार्थक एवं सजीव है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब इसके बाद है, जथा पंख बिनु खग अति दीना, मनि बिनु फनि करि वर करहीना, अस मम जीवन बंधु बिनु तोही, जो जड़ देव ज्यावई मोही, जय हऊ अवध कवन महुलाई, नारी हे तु प्रिय भाई गवाई, बरु अप जस सत हऊ जग माही, नारी हान विशेष क्षति नाही। चलिए अब पढ़ते हैं आगे, शब्दार्थ समझिए। जथा जैसे, खग पक्षी, दीना दीन हीन या गरीब, मणि नागमणि, फनी सांप, यहां मणि यानी सर्प, कविवर हाथी, कर सूंड, मम मेरा, जीवन यानी जीवन, बंधु भाई, बिन तो ही यानी तुम्हारे बिना, जो यदि जड़ कठोर, देव भाग्य किस्मत, जी आवई जीवित रखे मोही माने मुझे, जे हूं याने जाऊंगा, अबाद याने अयोध्या, कवन कौन, मुह मुख गवाई याने खोकर बिछड़ कर, बरु चाहे अपजस अपयश, सहतेउ सहना पड़ेगा, माही मैं विशेष विशेष क्षति हानि या नुकसान। संदर्भ, प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ पुस्तक आरोह में संकलित लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप प्रसंग से अवतरित है। इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। प्रसंग देखिए, संदर्भ यदि एक ही पाठ में होता है तो संदर्भ वही रहता है, परंतु प्रसंग क्या हो जाता है, बदलता जाता है। प्रसंग, प्रस्तुत चौपाई छंद में महाकवि तुलसीदास जी ने लक्ष्मण की मूर्छा की स्थिति में प्रभु श्री राम के विलाप का कारुणिक वर्णन किया है। चलिए व्याख्या समझिए।
लक्ष्मण को अपने सामने मूर्छित लेटा देखकर भगवान राम अत्यधिक क्या हो चुके हैं, व्याकुल होकर क्या कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। तरह तरह के विचार उनके मन में आ जा रहे हैं, बहुत प्रकार के विचार आ रहे हैं उनके मन में, क्योंकि वो अपने भाई को देखकर क्या कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। वे मूर्छित लक्ष्मण के सिर पर हाथ फेरते हुए उसे संबोधित करते हुए अत्यधिक अधीरता के साथ कहते हैं, क्या कहते हैं कि हे लक्ष्मण, तुम्हें पता है कि जिस प्रकार बिना परों के कोई पक्षी कितना असहाय निरीह होता है, नागमणि के अभाव में सांप की क्या स्थिति होती है, तथा सूंड के ना होने पर बलशाली हाथी तक बिल्कुल तुच्छ और हीन होता है, उसी प्रकार हे मेरे प्रिय भाई, मेरा जीवन भी तुम्हारे बिना व्यर्थ है। तुम्हारे बिना यदि मुझे जीना पड़े तो वह ऐसे ही होगा मानो मेरा दुर्भाग्य मुझे एक निर्जीव के समान ही जीवित रखना चाहता हो। मानसिक रूप से अत्यंत व्यथित श्री राम स्वयं से वार्तालाप करते हुए मंथन करते हैं कि यदि मुझे लक्ष्मण के बिना अयोध्या लौटना पड़े तो मैं क्या मुंह लेकर जाऊंगा। जब अयोध्या वासी एवं परिजन प्रिय लक्ष्मण के बारे में मुझसे प्रश्न करेंगे तो मैं उनको क्या उत्तर दूंगा। वे सभी तो यही समझेंगे कि अपनी पत्नी के लिए मैंने अपना भाई खो दिया और पूरे संसार में बहुत अपयश फैलेगा और मुझे उस अपयश को सहन करने के लिए जीवित रहना पड़ेगा। ऐसे बुरे विचार मन में सोचते हुए राम स्वयं से बुदबुदाते हुए कहते हैं कि संसार में स्त्री की हानि कोई बहुत बड़ी क्षति नहीं है, मैंने सीता को खो दिया यह मेरे लिए उतनी विशेष हानि नहीं है, लेकिन सगे भाई लक्ष्मण से मेरा बिछोह मेरे लिए बड़े अपयश का कारण बनेगा, यही मेरी वास्तविक हानि भी है। चलिए आगे पढ़ते हैं। काव्य सौंदर्य, भगवान राम के व्यथित हृदय की मार्मिक पीड़ा का कारुणिक एवं सजीव चित्रण हुआ है। सगे भाई की हानि को पत्नी की हानि से बड़ा बताया गया है। लोकापयश को कलंक के समान व्यक्त किया गया है। चौपाई छंद है, अनुप्रास अलंकार की छटा है, करो रस विद्यमान है, तत्सम शब्दावली युक्त अवधि भाषा है, बिंब योजना अत्यंत सटीक सार्थक एवं सजीव है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब अपलोक शोक सुत तोरा, सहि निठुर कठोर उर मोरा, निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण अधारा, सौपेसी मोहि तुम्हें गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी, उतरु उतरु काह देहु तही जाई, उठि किन मोहि सिखावहु भाई। चलिए शब्दार्थ, अपलोकु अपयश, सोकु शोक दुख सदमा, सही सहन करना, निठुर निष्ठुर हृदयहीन और हृदय, मोरा मेरा, निज अपनी, जननी माता, कुमारा पुत्र, तात पिता, तासु उसके, प्राण आधारा प्राणों के आधार, सौपेसी सौंपा था, मोही मुझे गही पकड़कर, पानी हाथ, उतरु काय देहु,
क्या उत्तर दूंगा, उठी उठकर, किन क्यों नहीं, सिखावो सिखाओ और बताओ। संदर्भ, प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ पुस्तक आरोह में संकलित लक्ष्मण मूर्छा राम कबिला प्रसंग से अवतरित है। इसके रचिता तुलसीदास जी हैं। प्रसंग, प्रस्तुत चौपाई छंद में कवि तुलसीदास जी ने लक्ष्मण के बिना अयोध्या लौटने पर अयोध्या लौटने की राम की कल्पना से उत्पन्न संभावित स्थिति का वर्णन किया है। चलिए व्याख्या, लक्ष्मण के मूर्छा तोड़कर होश में न आने पर प्रभु राम शोक मग्न मतलब बहुत ज्यादा गहरा विलाप करते हुए अनुज लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय यह अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। हे लक्ष्मण, तुम अपनी माता के एकमात्र सुपुत्र हो, वे तुम्हें अत्यधिक प्रेम करती हैं और तुम उनके प्राणों के आधार हो, अर्थात उनका एकमात्र सहारा हो। वास्तव में प्रभु राम इस चिंता में घुले जा रहे हैं कि अयोध्या लौटने पर वे माता सुमित्रा को लक्ष्मण के साथ हुई अनहोनी का समाचार किस प्रकार देंगे। वे लक्ष्मण को पुनः संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे भ्राता, माता सुमित्रा ने सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर ही उन्होंने तुम्हारा हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था, अर्थात वे इस बात से पूरी तरह आश्वस्त थी कि मेरे रहते तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ऐसे में अयोध्या लौटकर मैं माता सुमित्रा को क्या उत्तर दूंगा। तुम्हें मेरे साथ न पाकर वे मुझसे जो प्रश्न करेगी उनका जवाब मेरे पास क्या होगा। हे भाई, हे मेरे भाई, तुम ही उठकर मुझे क्यों नहीं सिखाते समझाते कि मैं माता जी के तुम्हारे संबंध में पूछे जाने वाले मौलिक प्रश्नों का क्या उत्तर दूंगा। काव्य सौंदर्य, प्रभु श्री राम के कारुणिक विलाप की सजीव अभिव्यक्ति हुई है। राम माता सुमित्रा के संभावित प्रश्नों का उत्तर देने में स्वयं को अक्षम पाते हैं। चौपाई छंद है, अनुप्रास अलंकार की छठा दर्शनी है। करुण रस प्रस्फुटित हुआ है। तत्सम शब्दावली युक्त अवधि भाषा है। बिंब योजना विषय परक एवं सजीव है। चलिए बहुविधि सोचत सोच विमोचन श्रवत सलिल साजिव दल लोचन उमा एक अखंड रघुराई नर गति भगत कृपाल दिखाई। चलिए शब्दार्थ समझिए। बहु कई अनेक, विधि विधि तरीका, सोच विमोचन शोक दूर करने वाला पीड़ा हरने वाला, श्रवत रिश्ता है, ससिल जल राजीव कमल दल पंखुड़ियां लोचन नेत्र उमा पार्वती अखंड वियोग रहित रघुराई रघुनाथ राम नर मनुष्य मानव गति दशा भगत कृपाल भक्तों पर कृपा करने वाले। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ पुस्तक आरोह संकलित लक्ष्मण मूर्छा राम विलाप प्रसंग से अवतरित है। इसके रचिता तुलसीदास जी हैं। प्रसंग, प्रस्तुत चौपाई छंद की पंक्तियों में भगवान श्री राम को सामान्य मनुष्य की भांति ही रोता बिलखता और बेबस बताया गया है। व्याख्या, महाकवि तुलसीदास जी कहते हैं लक्ष्मण की मूर्छित दशा को देखकर प्रभु राम अत्यंत शोकमग्न हैं। वे बहुत दुखी प्रतीत होते हैं। स्वयं संसार के सभी प्राणियों को शोक से मुक्त करवाने वाले भगवान राम इस स्थिति में अनेक प्रकार से सोच रहे। उनके चेहरे पर नाना प्रकार के भाव आ जा रहे हैं। अत्यधिक अधीर व्याकुल हैं। उनके कमल की पंखुड़ियों के समान नेत्र से विषाद के आंसू का जल बरस रहा है। वह एक सामान्य मनुष्य की भांति दुखी और उदास है। धीरे धीरे उनका विलाप प्रलाप में परिवर्तित हो रहा है। इस दृश्य को देखकर दूर कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव सन्निकट बैठी माता पार्वती को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे पार्वती, प्रभु रघुनाथ एक वियोग रहित प्राणी हैं। भक्तों पर सदैव कृपा बरसाने वाले भगवान राम ने लीला करके संसार को सामान्य मनुष्य की दशा दिखलाई है। अभिप्राय यह है कि भोले शंकर जानते हैं, क्या जानते हैं, कि प्रभु राम अजर अमर एवं शाश्वत हैं। वे तो मानव का रूप धारण करके तथा दुख में सामान्य मनुष्य की तरह ही विचलित होकर इस नश्वर संसार को अपनी लीला दिखला रहे हैं। चलिए
काव्य सौंदर्य, अत्यधिक आंतरिक पीड़ा से राम के आंखों से आंसू निकलने का दृश्य अत्यंत कारुणिक हो गया है। राम की व्याकुलता का सजीव चित्रण है। भगवान राम शिव ने विचलित राम को उनकी लीला बताया है। चौपाई छंद है। राजीव दल लोचन में रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, करुण रस विद्यमान है, तत्सम शब्दावली युक्त अवधि भाषा है, बिंब योजना विषय अनुरूप एवं सजीव। इस प्रकार मैंने आपको यहाँ पर लक्ष्मण मूर्छा के जो चौपाइयां थी उनको पढ़ाया समझाया, उनके अनुवाद संदर्भ प्रसंगों को आप परीक्षा के लिए अच्छे से